जय भोले, जय बाबा बर्फानी। आप सबको मेरी अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित वीडियो पसंद आई, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आप ये वीडियो विवरण में दी गई लिंक पर देख सकते हैं। ये वीडियो श्री दुर्गेश गुप्त राज के अमरनाथ जी की यात्रा के अनुभव के आधार पर आप सबके मार्गदर्शन हेतु बनाई गई है, जो अमरनाथ यात्री बालटाल से हेलीकॉप्टर के द्वारा दर्शन के लिए जाने वाले हैं। उनके लिए एक विशेष टिप्स दे रही हूँ। यदि आप बस या टैक्सी से एक दिन पहले बालटाल आ जाते हैं तो आप चाहे तो उस दिन या बाबा अमरनाथ जी के दर्शन के बाद सोनमर्ग 0 पॉइंट एवं जोजिला वॉर मेमोरियल का भ्रमण कर सकते हैं। बालटाल बेस कैंप से सोनमर्ग की दूरी केवल 14 किलोमीटर है। आप इस एक दिन में सोनमर्ग 0 पॉइंट एवं जोजिला वॉर मेमोरियल के भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। यदि आप अपनी टैक्सी से आए हैं तो उससे अथवा सोनमर्ग पहुंचकर सोनमर्ग में मुख्य मार्ग पर आपको घोड़े वाले मिल जाएंगे, जो कि घोड़ों से आपको सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों का भ्रमण कराने ले जाएंगे। सोनमर्ग की पहाड़ियों पर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये घोड़े वाले आपको शूटिंग पॉइंट का भ्रमण कराकर 4-5 घंटे में सोनमर्ग वापस ले आते हैं। आप चाहे तो सोनमर्ग की टैक्सियों से लेह लद्दाख राजमार्ग क्रमांक 1 पर स्थित 0 पॉइंट एवं जोजिला वॉर मेमोरियल का भ्रमण कर सकते हैं। लेह लद्दाख राजमार्ग विश्व के कठिन राजमार्गों में से एक है। यह मार्ग ही श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। इसी मार्ग से लेह तक खाद्य सामग्री एवं अन्य सामान लेह तक पहुंचाया जाता है। यह मार्ग इतना सकरा है कि यदि कोई ट्रक आमने सामने आ जाए तो ऊपर की ओर चढ़ने वाले ट्रक को रास्ता देने के लिए दूसरे ट्रक को वापस लौटना पड़ता है। यहाँ से बालटाल बेस कैंप बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। यह राजमार्ग 6 से 7 माह तक बर्फ से ढका रहता है। बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ की पहाड़ियों बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। बर्फ से ढके रहने के कारण चट्टानों पर खड़ी धारियाँ बन जाती हैं, जिससे ये पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। सामान्यतः 6-7 महीने यह मार्ग बर्फ से ढका रहने के कारण बंद रहता है और लेह का संपर्क श्रीनगर से पूरी तरह कट जाता है। इसी राजमार्ग पर सोनमर्ग से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर 0 पॉइंट स्थित है। यह स्थान बहुत ही मनमोहक है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे 0 पॉइंट पर बर्फ के पहाड़ पर स्कीइंग से या स्कूटर से घूमने का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह स्थान मन को मोह लेता है। 1-2 घंटे यहाँ रुकने के बाद टैक्सी वाला आपको यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित जोजिला वॉर मेमोरियल का भ्रमण कराने ले जाएगा। भारत पाकिस्तान की वर्ष 1947-48 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में ये स्मारक बनाया गया है। यह वो स्थान है जहाँ पर सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है। यह स्थान भी हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पर नियुक्त जवान जब सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्मारक के पास ही एक नदी बह रही है। सोनमर्ग से 0 पॉइंट एवं जोजिला वॉर मेमोरियल का भ्रमण कर लगभग 5 घंटे में सोनमर्ग लौट आते हैं। यहाँ एक सलाह देना चाहूँगी, आप घोड़े वालों से या टैक्सी वालों से मोल भाव करना न भूलें। घोड़े वाले सोनमर्ग भ्रमण हेतु 800 से 1000 रुपए में तैयार हो जाते हैं और टैक्सी वाले 3 से 4 हजार रुपए में। वैसे यदि आपके पास 2-3 दिन का समय हो तो आप बालटाल से 80 किलोमीटर दूर श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील, गुलमर्ग, खीर भवानी का भ्रमण करने भी जा सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। आशा है यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करना न भूलें, जिससे अन्य यात्री एवं भक्त भी इसका लाभ ले सकें।
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे अन्य वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, जय भोले।